16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:30 पर यूपीएससी की वेबसाइट पर एक पीडीएफ आता है। उसमें कई सालों से किताबों में जमकर मेहनत कर रहे विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाई, लेकिन ये एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जिनका नाम है कुणाल आर विरुलकर, जो पिछले 12 साल से लगातार यूपीएससी के अटेम्प्ट देते आ रहे हैं। 7 बार प्रीलिम्स क्रैक किया, 5 बार इंटरव्यू तक गए, लेकिन आखिरकार अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। अपने सपने को बुनने के लिए 15 साल लगा दिए, मगर कामयाब नहीं हो पाए। तो आइए जानते हैं कुणाल की कहानी उनकी जुबानी। मेरा नाम कुणाल आर विरुलकर, मैं महाराष्ट्र के अमरावती से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूपीएससी के अभी तक 12 अटेम्प्ट दिए हैं। इसमें मैंने 7 बार मेंस लिए है और 5 बार इंटरव्यू दिए है। 2023 में मेरा ये 5वां इंटरव्यू था, जिसमें मेरा दुर्भाग्यवश 9 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 2017 में मेरे कुछ दोस्त सेलेक्ट हो गए थे, आईएएस बन गए थे, तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था कि अगर मेरे दोस्त नौकरी करते करते भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 2018 का जब मैंने इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, स्कोर भी अच्छा आया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा उस वक्त केवल 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हमेशा मोटिवेशन मिलता था क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करनी है, और क्योंकि पास इसीलिए करनी है क्योंकि हर आम इंसान इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है और हम में भी वो काबिलियत है, ये हमेशा एक चीज़ हमेशा मन में रहती थी। 2022 में मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हो पाया प्रीलिम्स में। फिर से मैंने सोचा कि नहीं, हम संघर्ष करने के लिए तैयार है, हमने करना भी चाहिए, क्योंकि इस आखिरी मुकाम तक अगर हम आ रहे हैं तो हमें इस संघर्ष को आगे बढ़ाना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पे रुक गए तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दुख तो सबको होता है कि आपका अगर सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ तो, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त या आप जिनको जानते हो वो सिलेक्ट होते हो, लेकिन आप अगर सिलेक्ट नहीं होते थोड़ा दुख लगता है। जो स्टूडेंट्स व्यू इन्होंने जो दिखाई है, मैं थैंक्स कहूँगा स्टूडेंट व्यू के जो गोपाल चौधरी और उनकी टीम है, उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके सामने मेरा संघर्ष शेयर करने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू स्टूडेंट्स व्यू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल आर विरुलकर, मैं महाराष्ट्र के अमरावती से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूपीएससी के अभी तक 12 अटेम्प्ट दिए हैं। इसमें मैंने 7 बार मेंस लिए है और 5 बार इंटरव्यू दिए है। 2023 में मेरा ये 5वां इंटरव्यू था, जिसमें मेरा दुर्भाग्यवश 9 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये जो यूपीएससी का संघर्ष है, ये संघर्ष मेरा बहुत पहले से है। जैसे कि हम बहुत सारे हमारे से एस्पिरेंट्स रहते हैं, जो बचपन में ही हम देखते हैं कि डीएम, एसपी, कलेक्टर्स, इनका रोल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, तो हम थोड़े प्रभावित होते हैं। तो वैसे मैं भी प्रभावित हुआ था जब मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था, तब मैंने महाराष्ट्र स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था प्रीलिम्स, उसमें मेरा स्कोर अच्छा आया था। तो इसी वजह से मुझे लगा कि अगर हम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं तो हमने बड़ा सोचना चाहिए। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी, जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. Kamyabi ki raah par hazar se bhi zyada nishan. GS Score. फिर 2012 से मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए तैयारी की। शुरुआत में थोड़ा डर था कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में एग्जाम होती है, लेकिन कुछ सीनियर्स थे और कुछ घर वाले मेंबर्स थे, उन्होंने काफ़ी हौसला दिया और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए। 2012 में मैं दिल्ली में आया, करोल बाग में, वहाँ पे मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। तब तक मैं इस एग्ज़ाम के प्रति मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था,
मुझे सिलेबस भी नहीं था, पता नहीं था, और बाकी चीज़ें भी मेरे लिए सब नई थी। जब मैंने मेरी कोचिंग क्लास शुरू हुई, जब मैं दिल्ली में 2012 में आया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए, उस वक्त मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ आइडिया नहीं थी। सिलेबस क्या होता है, पेपर कैसे रहते हैं, इसके प्रति मैं पूरा मुझे कुछ इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, और जैसे समझ में आने लगा इंटरेस्ट भी उसमें आने लगा। उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, लेकिन 2012 में मेरा किसी कारणों की वजह से प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाया। तो उस वक्त मुझे लगा था कि अब दिल्ली से हमें वापस घर जाना चाहिए और इसके साथ कुछ जॉब करके हमने पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। लेकिन हमेशा ही यूपीएससी एस्पिरेंट के उनके जो जिंदगी में या उनके साथ जब उनको अनुभव आते हैं तो कुछ सीनियर्स रहते हैं, तो कुछ मेरे भी सीनियर्स थे जिन्होंने मेंस लिखा था, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप एक साल दिल्ली में रहिए, नेक्स्ट ईयर आप मेंस अगर लिखोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ पे आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो 2013 में मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की यूपीएससी सिविल सर्विस की, और 2013 में मैंने पहली बार मेरा प्रीलिम्स पास किया। प्रीलिम्स पास करने के बाद जब मेंस के लिए समय था तो उसमें मैंने काफ़ी पढ़ाई की, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा उस वक्त मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया और मैं मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, 2014 का मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया, लेकिन उस वक्त मैंने बाकी एग्जाम्स भी देना शुरू कर दिया, जैसे कि CAPF UPSC के माध्यम से होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बैंक के एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसके माध्यम से मुझे बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और CGL में मुझे इनकम टैक्स विभाग में नौकरी लगी थी। तो लेकिन जॉइनिंग आते आते 2015 हो गए, तो 2014 में मैंने फिर से प्रीलिम दिया। प्रीलिम मेरा उस वक्त भी निकल गया था, लेकिन उस वक्त कुछ नंबर से, शायद 20-25 नंबर से मेरा मेंस नहीं हो पाया था। तो फिर से मैंने 2015 के लिए एक बार प्रयास किया। उस वक्त मैंने SSC CGL से एग्जाम निकाल दिया था और मेरे पास दो जॉब उस वक्त थे, तो 2015 में मैंने UPSC प्रीलिम्स भी निकाला। लेकिन उस वक्त मुझे प्रीलिम्स के बाद कुछ कठिनाई आई थी, लेकिन उसको उसको पार करके 2015 का मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया था। 2015 में मैंने मेंस क्वालिफाई करने के बाद मुझे पहली बार UPSC सिविल सर्विस इंटरव्यू का कॉल आया था। जब मुझे कॉल आया तब मैं नौकरी मैंने शुरू कर दी थी चेन्नई में। मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो बहुत नर्वस था, बहुत डर गया था, तो इंटरव्यू में मुझे थोड़ा सा नंबर मेरे कम आए थे, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। चूंकि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था और मेरे UPSC की जर्नी भी शुरू थी, लेकिन जॉब करते करते थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो 2016 और 2017 इस दो साल में मेरा UPSC का प्रीलिम ही नहीं निकल पाया था। थोड़ा सा मैं मायूस हो गया था कि UPSC का एग्जाम अब मेरे से नहीं निकल रहा है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है हर किसी की लाइफ में, मेरे भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। 2017 में मेरे कुछ दोस्त सिलेक्ट हो गए थे, IAS बन गए थे, तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था कि अगर मेरे दोस्त नौकरी करते करते भी UPSC सिविल सर्विस एग्जाम पास कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे याद है अभी भी अप्रैल मंथ में रिजल्ट लगा था और 2 जून को प्रीलिम थी 2018 की। मेरे पास केवल 30 दिन बचे थे और मेरी पढ़ाई उस वक्त लगभग शून्य के बराबर थी। फिर से मैंने 30 दिन में पूरा का पूरा प्रीलिम का जो सिलेबस है वो पढ़ा, 10-12 घंटे 13 घंटे रोज पढ़ाई करता था, और उस वक्त मेरा प्रीलिम का स्कोर भी अच्छा आया था और मेरा प्रीलिम पास हो गया था। उसी वक्त जब मैं ऑफिस में था, इनकम टैक्स में काम करता था, तो कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, वो ऑफिसर्स भी UPSC की एग्जाम पास करके ही IRS बन के आते हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप संघर्ष जारी रखिए, तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया, कुछ पढ़ाई करने के लिए छुट्टी भी दी थी उस वक्त। तो 2018 का जब मेंस लिखा मैंने, तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी, जो कुछ सिलेक्टेड मेरे फ्रेंड्स थे उनसे बात की थी, और उस वक्त मेरा मेंस फिर से निकल गया था। जब मुझे इंटरव्यू कॉल आया तो उस वक्त मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि इस बार मुझे इंटरव्यू में अच्छा स्कोर आएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 2018 का जब मैंने इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, स्कोर भी अच्छा आया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा उस वक्त केवल 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बड़ा मायूस हुआ था,
बहुत बुरा लगा था कि एक नंबर के वजह से हम आज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पास नहीं कर पाए। उस वक्त कुछ दोस्त थे, घर वाले थे, उन्होंने कहा था कि आपके पास अभी नौकरी है, अगर आपको क्विट करना है तो आप क्विट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने सोचा, एक दिन तो मुझे भी लगा कि अब मुझे क्विट करना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। भले ही आपने यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हो या आप यूपीएससी के लिए शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हो, आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन 2019 में मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की 2019 के अटेम्प्ट के लिए, लेकिन शायद एक या दो नंबर से मेरा उस वक्त प्रीलिम ही नहीं निकल पाया, तो वो साल भी मेरा एक थोड़ा सा वेस्ट हो गया। लेकिन उस वक्त मुझे उम्मीद थी कि मुझे रिजर्व लिस्ट में कुछ जॉब मिल जाएंगी यूपीएससी के माध्यम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल पाई। उसी वक्त ऑफिस के जो ऑफिसर्स रहते हैं इनकम टैक्स के, उन्होंने मुझे फिर से मोटिवेट किया और मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने फिर से बहुत मोटिवेट किया, गाइड किया। 2020 में मैंने यूपीएससी के लिए फिर से पढ़ाई शुरू की। 2020 में मुझे पता है कि मैंने तकरीबन उस साल 7000 या 8000 मैंने एमसीक्यूज केवल प्रीलिम्स के लगाए थे। कुछ फ्रेंड्स के साथ हम पढ़ाई करते थे, पूरे के पूरे 20 साल के पीवाईक्यूज लगाए थे। हमेशा मोटिवेशन मिलता था क्योंकि हमें एग्जाम पास करनी है, और क्योंकि पास इसीलिए करनी है क्योंकि हर आम इंसान इस एग्जाम को पास कर सकता है और हम में भी वो काबिलियत है, ये हमेशा एक चीज हमेशा मन में रहती थी। तो 2020 में मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छा प्रीलिम का स्कोर भी आया था, मेरे मेंस का भी स्कोर अच्छा आया था, मैंने मेंस भी उस वक्त पास किया था। लेकिन इंटरव्यू के बाद कुछ कारणों की वजह से मेरा 10 नंबर से वहाँ पे एग्जाम नहीं हो पाया। उसके बाद 2021 का मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया, उस वक्त मुझे प्रीलिम की पढ़ाई करने के लिए समय नहीं मिल पाया था क्योंकि ऑफिस का बहुत काम रहता था, फिर भी मेरा प्रीलिम उस वक्त भी निकल गया था। अगर अब इस कंडीशन में आ गया था कि प्रीलिम अगर निकल जाए तो मेंस भी निकल रहा है, तो मेरा 2021 में फिर से मेरा मेंस निकल गया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन उस वक्त नहीं हो पाया था, मुझे इंटरव्यू में थोड़े से कम नंबर आए थे, उस वक्त 16 नंबर से रह गया था। 2022 में मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हो पाया प्रीलिम्स में। फिर से मैंने सोचा कि नहीं, हम संघर्ष करने के लिए तैयार है, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इस आखिरी मुकाम तक अगर हम आ रहे हैं तो हमें इस संघर्ष को आगे बढ़ाना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पे रुक गए तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। और मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आपके पास, आप एक उम्र के बाद आपने अपना प्लान भी रेडी रखना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट की जॉब कीजिए या प्राइवेट जॉब कीजिए या खुद का बिजनेस शुरू कीजिए, लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रिलैक्स था, मायूसी तो रहती थी क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके वजह से फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती थी। 2023 में मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया। 2023 का सबको पता है पेपर कितना टफ आया था, प्रीलिम्स का, जीएस का और सीसेट का। लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, पढ़ाई अच्छी की थी मैंने एक साल, तो 2023 का मैंने फिर से प्रीलिम लिखा, प्रीलिम पास हुआ। 2023 की मैंने मेंस लिखी, मेंस के लिए भी मैंने काफ़ी स्ट्रैटर्जी यूज़ की थी, तो मेरा मेंस भी अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी मेरा अच्छा ही गया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरा 9 नंबर से यहाँ पे वो सिलेक्शन हो नहीं पाया। लेकिन सिलेक्शन ना होने के बाद भी इस साल मुझे इतनी मायूसी नहीं थी। दुख तो सबको होता है कि आपका अगर सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ तो, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त या आप जिनको जानते हो वो सिलेक्ट होते हो, लेकिन आप अगर सिलेक्ट नहीं होते थोड़ा दुख लगता है। लेकिन इस साल मैं प्रिपेयर था, अगर पास होगा हो भी और ना भी हो तो, क्योंकि ये यूपीएससी एक हमारे जिंदगी का पार्ट है, तो हमने इसको बहुत अगर पास नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाकी काम हमारे कर ही रहे हैं, हम फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट है, और बाकी भी सोसाइटी को जो भी हम योगदान कर सकते हैं वो फिर भी कर रहे हैं। तो लेकिन हाँ, ये अगर हम कोई भी अपने करियर में जिसके लिए कोई ड्रीम या सपने देखता है वो अचीव करने के लिए हमने यहाँ पे संघर्ष जरूर करना चाहिए। ये संघर्ष मेरा अभी भी जारी है। संघर्ष जारी रहने के पीछे हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो खुद पे यकीन होना चाहिए। अगर हम खुद पे यकीन करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है।
इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं रहती है, चुनौतियाँ बहुत रहती है, तो हमने मेहनत करनी चाहिए और हमारा जो देश है, हमारी जो भूमि है, सब इस बहुत सारे संघर्षशील यहाँ पे लोग हो चुके हैं, वीरों की भूमि है, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, इन सब लोगों ने संघर्ष करके ही हमारे समाज के लिए और बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो संघर्ष हमें सबने करना चाहिए, ये केवल UPSC सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। बहुत सारे मैं अभ्यर्थी देखता हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग बात करते हैं, कोई SSC CGL के लिए संघर्ष करता है, कोई बैंक एग्जाम के लिए करता है, कोई स्टार्टअप में है, कोई IIT JEE के लिए संघर्ष करता है। तो सबने संघर्ष करना चाहिए, पास होना या फेल होना ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कट थ्रोट रहती है। अभी हाल ही में क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर, उनका चयन नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेटर अच्छे नहीं है, बहुत कंपटीशन रहती है, इसलिए उनका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया। सिमिलरली हमारी बात है, हम सभी अच्छे एस्पिरेंट हैं, हम अच्छे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन इतनी है कि वो UPSC या बाकी एग्जाम उन सारे बच्चों को यहाँ पे ले नहीं पाती है। तो हमने प्रयास करना चाहिए और प्रयास करते करते हमने ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ बैकअप प्लान रहे, प्लान भी रहे, जिसके वजह से हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी के ऊपर लायबिलिटी नहीं रहेंगे और हम जो भी हमने हमारे गोल्स या हमारे जो ड्रीम रखे हैं उसको अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ते रहने चाहिए। UPSC ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम केवल हार्डवर्क की नहीं है, इस एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। मैं तो कहूँगा UPSC हमें सिखाती है कि हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए और हमें माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए UPSC के, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, हर चीज़ के लिए हमें माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर टॉपिक के लिए करना मैनेजमेंट करना पड़ता है और ये करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ जुड़े बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो कोई वर्किंग है, कोई अभी जिन्होंने इंटर किया है या जो अभी UPSC की पढ़ाई कर रहा है, सब मुझे पूछते हैं कि सर प्रीलिम पास नहीं हो रहा है, मेंस पास नहीं हो रहा, स्ट्रेटजी बताइए। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे ऐसे मैं दोस्तों को या लोगों को देखा है कि जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कारण की वजह से UPSC की प्रीलिम्स या मेंस पास नहीं कर पाते। इसके पीछे का कारण यह है कि UPSC की जो परीक्षा है, वो परीक्षा मैं इसको डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे वो वहाँ पे आते हैं जो हम सहज या हम जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते, हमें लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स मायूस होते हैं या वो सरेंडर करते हैं, उनको लगता है कि इस बार उनका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि पेपर जितना टफ रहेगा उतनी अच्छी बात रहती है, क्योंकि कट ऑफ नीचे आ जाता है। तो आप पेपर कितना भी टफ रहे, आप हर क्वेश्चन को उसे चैलेंज लीजिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेंस के सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, अगर हमें उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी भी आइडिया होंगी तो हमने वो क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए, पूरा का पूरा लिखना चाहिए। इसके वजह से ही हमें UPSC में नंबर मिलते हैं और यहाँ पे एक एक नंबर की वैल्यू कितनी होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, क्योंकि 2018 में मेरा केवल एक नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी वर्किंग भी हैं, वो पूछते हैं कि हम अभी जॉब करते हैं तो UPSC कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं तो उनको यही कह पाऊँगा कि आप वर्किंग होने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको समय निकालना पड़ेगा और समय हमारे पास सबके पास होता है, हमें केवल प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप UPSC को प्रायोरिटी दोगे तो आप UPSC की पढ़ाई निश्चित ही अच्छे से कर पाओगे, समय तो बहुत रहता है हमारे पास वैसे वर्किंग होने के बाद भी। तो हमें इस एग्ज़ाम के लिए ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए और हर चीज़ जो UPSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो कोचिंग क्लासेस के MCQs और टेस्ट सीरीज हो, हमें उसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम ये स्टैटिक एग्ज़ाम नहीं है, हर साल वो खुद को ही बदल रही है, तो हमें उसके हिसाब से हमें भी बदल करना पड़ता है, ये चैलेंज रहता है, तो हमें इस रूप से खुद को रेडी रखना चाहिए। तो अगर ये सारी स्ट्रैटर्जी हमारे UPSC के प्रिपरेशन में हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही हमें यहाँ पे सफलता मिलेगी। UPSC पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा हार्डवर्क और स्मार्टवर्क तो है ही है, लेकिन
कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक दिन मोटिवेट होने के बाद अगर हम एक ही दिन पढ़ाई करेंगे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम थोड़े थोड़े पढ़ाई रोज़ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो इस एग्ज़ाम को हम पास कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए और सारे प्रोफेशन के लिए है। हमें कंसिस्टेंसी यहाँ पे बना के रखनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई करते वक्त बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। हमें रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए यूपीएससी के बारे में, इसके वजह से हमारा नॉलेज और हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा इंक्रीज हो और हम उसे और बेहतर तरीके से यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो जो मेरा अभी भी जो 12 अटेम्प्ट मैं जो मैंने दिए हैं, 5 बार इंटरव्यू दिया है, इसके पीछे कंसिस्टेंसी है। भले ही मेरा यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम मैं नहीं पास हो पाया या मेंस नहीं पास हो या इंटरव्यू नहीं पास हो पाया, लेकिन फिर भी मैं हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ यूपीएससी के बारे में पढ़ता रहता हूँ, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो करंट अफेयर की मैगजीन हो, चाहे वो हमारे स्टैटिक पोर्शन की बुक्स हो। तो कंसिस्टेंसी हमेशा हमारे काम आती है, वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। अगर वो आपको इस साल अगर आपके अटेम्प्ट में काम में नहीं आएंगी तो क्या पता आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में उसके आधार पर क्वेश्चन आएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारी जो मेहनत है, हमारी प्रायोरिटी है यूपीएससी के लिए, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को या कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए मुझे मोटिवेशन इसके लिए भी मिलता है क्योंकि मैं अभी इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में काम करता हूँ। हम सब स्टाफ, एक स्टाफ की रूम रहती है और हमारे 50 मीटर आगे ऑफिसर का चैम्बर रहता है। वो जो ऑफिसर होते हैं वो IRS ऑफिसर रहते हैं और वो भी UPSC पास करके ही आते हैं। और चूँकि वहाँ पर काम ही करता हूँ तो मुझे पता है कि वो जो IRS ऑफिसर हैं वो डिपार्टमेंट के लिए, देश के लिए और हमारे समाज के लिए कितना अच्छा है और कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो जो 50 मीटर की दूरी है स्टाफ रूम टू ऑफिसर चैम्बर, इस दूरी 50 मीटर की है, लेकिन वो ऑफिसर के चैम्बर में जाने के लिए हमें UPSC का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पास करना होता है। और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं और हमें भी एक आत्मविश्वास आता है कि अगर कोई और IRS या UPSC पास कर सकता है, ऑफिसर्स बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो वो जो मोटिवेशन है और वो जो लगता है कि अगर कोई और आदमी भी पास कर सकता है तो हम भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो एक ये भी मेरा मोटिवेशन है कि जो मुझे निरंतर UPSC के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी जर्नी है, जो स्टूडेंट्स व्यू इन्होंने जो दिखाई है, मैं थैंक्स कहूँगा स्टूडेंट व्यू के जो गोपाल चौधरी और उनकी टीम है, उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके सामने मेरा संघर्ष शेयर करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने भी अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही मुकाम हासिल करना चाहिए और उसके लिए आपने संघर्ष करना चाहिए। मैं ये कह के मेरे दो शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।